आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि बी का जो थर्ड सेमेस्टर है बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नजरुल स्मृति कॉलेज से हैं हम, तो आप लोग प्रैक्टिकल कैसे बनाइएगा, तो आपको है ना चार कॉपी बनाना पड़ेगा। पहला कॉपी है 60 लर्निंग डिजाइन, पहले ये पहला कॉपी हो गया 60 लर्निंग डिजाइन। उसका फर्स्ट पेज में जो है आपको हेडमास्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आप स्कूल में जो पढ़ाने गए थे, इंटर्नशिप करने गए थे, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक, जो कि मैडम जी जो व्हाट्सएप में लिखा है। उसके बाद लास्ट पेज में क्या करना है कि आपको हेडमास्टर का सिग्नेचर कर देना है, जो 60 लर्निंग डिजाइन है 61 लर्निंग डिजाइन में जो हेडमास्टर का सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद दूसरा नंबर में 1 लर्निंग डिजाइन, आपको अपने सब्जेक्ट से एक लर्निंग डिजाइन लेना है, उसका एक फाइल बनाना है, ठीक है। और तीसरा में टीचिंग एड चार्ट, जैसे चार्ट जो सेकंड सेमेस्टर में चार्ट में आप पढ़ाए थे वहाँ पे टीचिंग करवाए थे, उसी का एक अपना सब्जेक्ट के अनुसार एक चार्ट बना लीजिएगा। उसके बाद चौथा कॉपी आपका होगा 3 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, में तीन आपका स्कूल का जो अंदर काम किए हैं उसका आपको बनाना पड़ेगा, जो है गार्डनिंग है, गार्डनिंग कैसे कैसे किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद मॉर्निंग असेंबली है, उसका आपको कैसे कैसे किए वो लिखना पड़ेगा। ये आपको जो है चार GPT या गूगल से आपको या यूट्यूब से मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब रिपब्लिक डे में जो 1, 2, 3 ये तीन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, रिपब्लिक डे में आपको क्या क्या किए थे वो सब, तो आपको टोटल मिला के 1, 2, 3, 4 को भी बनाना है। जो पहला जो सिक्सटी लर्निंग डिजाइन है उसमें लगभग 180 पेज हो सकता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद दूसरा में 1 लर्निंग डिजाइन में कितना ज़्यादा नहीं हो सकता है, 10-15 पेज ऐसी आप लिख सकते हैं। उसके तीसरा में टीचिंग एड जो है आपको चार्ट अपना आप जो चार्ट है जो पढ़ाने के लिए चार्ट अपना बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ आप जो है वहाँ स्टूडेंट को जो आपका जो वाइवा लेगा वहाँ पे आप बता सकते हैं। और चौथा में आपका 3 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में गार्डनिंग में क्या क्या है, मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या है, रिपब्लिक डे में क्या है, वो सब लिखना है। तो ये चीज़ फाइनल है।